हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर नाजिया। रिएक्शन, तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है इंडियाज नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शाइन्स इन पाकिस्तान, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ऐसे मुझे पता है कि आखिर कैसे चलेगा। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। अब तो आवाम भी कहती है, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो पहचानते हैं, कहते हैं डॉक्टर फिजा ऐसे नहीं चलेगा जैसे चल रहे। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी अब कोई बेटी ऐसे नहीं चलेगा, मतलब आवाम के मुंह से भी हमारे प्रोग्राम के अल्फाज निकलते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। उस औरत के कपड़ों के ऊपर हलवा लिखा हुआ था तो आप उसको कत्ल करना चाहते थे वहां मौलवी साहब, एक उनके पास गन मौजूद थी। उसके बाद मैंने ट्वीट किया था, यार मेरे पास कुछ रियाल है, मैं अपनी पेंट की फ्रंट जेब में डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। ऐसे नहीं चलेगा। और मेरा सिंपल सवाल है, अगर ऐसे चलेगा तो फिर आखिर ऐसे कब तक चलेगा। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम था। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने जो हमारे जितने भी क्रिएटर्स हैं हमारे देश में जो रिवेन्यू जनरेट करते हैं उनको सम्मानित किया है। और इसमें भी एक बड़े मजे की बात है, सम्मानित कर रहे हैं हमारे पीएम, सम्मानित हो रहे हैं हमारे देश के क्रिएटर्स। लेकिन भाई साहब, जल कौन रहे हैं, भून कौन रहे हैं? वो है हमारे पड़ोस में रहने वाले नजर बट्टू, पाकिस्तानी। तो इसी मुद्दे पर हमारे आलोक रंजन सर ने विवेचना बनाई है, काफी अच्छी। तो चलिए सुनते हैं। पीएम मोदी मीट्स आरजे रौनक, टेक्निकल गुरुजी एंड टॉप इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, पाक मीडिया क्राइंग। जी हाँ, तो भाई नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स दिए गए हैं और ये पहली बार हुआ है इतने बड़े पैमाने पर क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए हैं। और ये वो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब और बाकी फेसबुक और बाकी जगहों पर कंटेंट बना रहे हैं, भारत को रेवेन्यू दिला रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम था। और सोचिए कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि जो लोग डिजिटल इंडिया को समझ गए हैं और डिजिटली इंडिया को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं रोज़गार के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है, आपको आइडिया नहीं है। और दूसरे तरफ पाकिस्तान जो है वो सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बातें करता है, यूट्यूब बैन कर दो, फेसबुक बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो। हमने सोशल मीडिया की पावर को पहचाना और आप देखिए पिछले 3 से 4 साल में हमने क्या ग्रो किया है। सोशल मीडिया से हम कमाई कितनी कर रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म से हम कितनी कमाई कर रहे हैं। मैं एक शायद इकोनॉमिक टाइम्स का था या किसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जो हमारे डिजिटल कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, आपका और भी जितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब मिलकर आपको पता है कि इंडिया में कितने का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2023 में $8.8 बिलियन का रेवेन्यू इन कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स ने जनरेट किए हैं भारत के लिए, $8.8 बिलियन। इसमें YouTube भी है, Amazon भी है, Netflix भी है और भी जितने हमारे डिजिटल कंटेंट के, Facebook भी है, सब कुछ है। और पाकिस्तान इस समय $8 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहा है IMF के आगे। पूरे पाकिस्तान को $8 बिलियन का पैकेज चाहिए कि भैया दे दो दे दो दे दो दे दो। और हमारा कंटेंट क्रिएशन, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का मार्केट है, उसने $8.8 बिलियन कमाए हैं 2023 में और ये लगातार बढ़ रहा है। शायद इस साल वो $10 बिलियन क्रॉस कर जाएगा 2024 में। आप समझ रहे हैं, $8.8 बिलियन, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। कि YouTube, Facebook, Instagram, सोशल मीडिया की अगर बात करें पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कोई भी इलाका हो वहां पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। आप कोई दो कश्मीर के बड़े इन्फ्लुएंसर बता दें जो सोशल मीडिया पे नजर आते हो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जहां तक तो रही बात कश्मीर की, कश्मीर में मोस्टली हमारा ये होता है, यहाँ की प्रॉब्लम है नेट की।
ठीक है, नेट ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे जो करना चाहते हैं जो नहीं कर सकते। टैलेंटेड लोग बहुत हैं हमें, ठीक है, मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लड़के में देखता हूँ मोस्टली टिकटॉक बनाते हैं, लेकिन वायरल ना होना मतलब कोई व्लॉग कर रहा है या यूट्यूब पे उस तरह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि हमारी सर्विस का इशू है। दूसरा ये है कि मैं एक हॉस्पिटल से मेरा कनेक्ट हूँ अलशफा से, हम कैंप करते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, ठीक है, मेडिसिन वगैरह लेके जाते हैं वहाँ पे कैंप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह कहीं भी नहीं है। इस बात में तो कोई शक नहीं है, आप ना भी कहें पूरी दुनिया में पता है कि भाई जन्नत, अगर दुनिया में जन्नत है तो वादी कश्मीर है, चाहे यहाँ का हो या वहाँ का, खूबसूरती के लिहाज से तो कश्मीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वहाँ इंडिया साइड की अगर बात करें, वहाँ पे बड़े इन्फ्लुएंसर भी हमें देखने को मिलते हैं, बल्कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी वो जो है वो नेशनल इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड भी कोई सरमनी रखी, और वहाँ पे बड़े ऐसे यूट्यूबर थे जिन्हें अवार्ड दिया गया, चाहे टेक्निकल गुरु जी, आप तो जानते होंगे वो जो है टेक्निकल मोबाइल्स वगैरह के हवाले से बताते हैं, क्या समझते हैं, देखते हैं हम उन इंडिया के हैं, मतलब मोटिवेशन वीडियोस भी वहाँ की देखते हैं, हमें भी यहाँ पे तो होना चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट। देखिए, हमारी सिंगिंग से लेके हमारा जो चीज़ हम सारी इंडिया की कॉपी करते हैं, हाँ बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं अभी तक, लेकिन हमें ये है कि हम यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को भी कॉपी कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक टैप रिकॉर्ड समझे गाड़ी में लगाते हैं, वो गाना भी इंडिया को सुनते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज मीडिया की ये सोशल एक्टिविटी जो है सारी हमारी होनी चाहिए, हमें अपनी लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये है कि नेट का इशू, टैलेंट में जो मेन प्रॉब्लम है हमारा ये नेट की वजह से, नेट का इशू है ये, बिल्कुल बेसिक इशू है कि भाई देखें, अगर लेट्स सपोज इंटरनेट सर्विस ही नहीं है, ये भाई हैं ये अपना चैनल बनाना चाहें, या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो चाहे कश्मीर का हो या किसी भी पाकिस्तान के एरिया का हो, वो कैसे आगे आ सकता है। और फिर बड़ी बात, हमें तो अबर खबर ये आ रही थी कि भाई यूट्यूब वैसे ही पूरे पाकिस्तान से ही बैन कर दिया जाएगा, शायद आपने भी सुना हो, और 2012 से 16 तक बैन रहा भी है यूट्यूब। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा यहाँ तक ये है कि एक्टिविटी मोस्टली लड़कों में, यंग जनरेशन में आती है, टिकटॉक मोस्टली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक बनाने की व्लॉग्स बना रहे हैं। हमारी जो है बॉर्डर एरिया पे मोस्टली लोग में मैंने देखा है वो व्लॉग बनाते हैं, पाबंदियां भी हैं, उस साइड से लोग आते हैं वो तो बड़ा व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, जाता है। हमारा ये है कि हमें, मैं तो मुझे तो मौका मिलता है, मैं बहुत बार गया हूँ आगे वहाँ पे, ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पे ये है कि हमारे कुछ लोगों को आगे जाने का मौका नहीं मिलता, चेकिंग की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, ठीक हो गया। लेट्स सपोज आपने कोई टेक्निकल वीडियो देखनी हो, कौन से, इंडिया की वीडियो देखते हैं या पाकिस्तान की, सच बताइएगा। मैं इंडिया की देखता हूँ, ठीक है। आपने कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं, वो भी इंडिया की। आपने कोई, अगर लेट्स सपोज कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी हो, कहाँ की देखते हैं। मैं तो तारक जमील साहब को सुनता हूं। चले, अच्छी बात है, चले, एक यहाँ से इन्फ्लुएंसर है, दो लेकिन आपने वहाँ से, और मोस्टली लोग जो टेक्निकल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं ज्यादातर आपके? हमारा जो शोब है मेडिसिन, ये है ना, तो मेडिसिन इंडिया में 70% जो दुनिया में इस टाइम मेडिसिन चल रही है वो इंडिया में है। अच्छा, तो दुनिया के चौथा या पांचवा मुल्क है जो जहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, ठीक हो गया, और हैं तो वर्ल्ड फार्मेसी भी कहा जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो। ऐसा ही है, तो हम ज्यादा क्योंकि मोटिवेशन उन्हीं के सुनते हैं, डिस्पेंसर जो भी मतलब हमारी मेडिसिन की होती है तो हम उन्हीं को कॉपी करते हैं, मतलब इंडिया को देखते हैं, ठीक है। उसकी रीजन भी ये है ना कि भाई एक तो ये है कि उनके काम में थोड़ी क्वालिटी नजर आती है, और सेकंडली ये सीखने को, चाहे आपको कहीं से भी मिला हो, इंडिया हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो हमें ये नहीं देखना चाहिए, नहीं जी ये तो इंडिया का चैनल है इसे नहीं देखेंगे। और फिर बड़ी बात, जब हमारे खुद यहाँ पे चीजें नहीं होंगी, इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मौजूद नहीं होंगे, हम, आपको नहीं लगता बहुत पीछे चल रहे हैं, मतलब इंडिया से 10-20 साल सोशल मीडिया के हवाले से पीछे चल रहे हैं? इंडिया तो हमारा जो कश्मीर है, हम कश्मीर की बात करते हैं, कि हम पाकिस्तान से भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, हमारे तरक्की के, हालांकि यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इसमें तो कोई शक, कोई शक, इतने टैलेंटेड हैं हर एजुकेशन के हिसाब से, हालांकि हमारी वो जो है अभी यंग लोग जो हैं मोस्टली ये हैं बहुत टैलेंटेड, ठीक हो गया, टैलेंटेड हैं, लेकिन वो टैलेंट आगे किसने लाना है? आपने बोला 70% जो मेडिसिन है वो इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान में भी जो मेडिसिन यूज हो रही है वो इंडिया से आ रही है, मोस्टली इंडिया में, लेकिन इंडिया में पाबंदी यहाँ पे क्योंकि वो वाया दुबई आ जाती है, दुबई से, हाँ, तो इंडिया से यहाँ पे लेके आ नहीं सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारी जो होती है मोस्टली यूके की होती है, लेकिन दुनिया भर में जो चल रही है 70% इंडिया की, और यही अगर रिलेशन बेहतर हो तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज इंटरनेट के हवाले से कि यहाँ पे मोस्टली कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मोबाइल सर्विस नहीं है, इंटरनेट है, मोबाइल सर्विस नहीं है, सिम सर्विस नहीं है। अच्छा, यहाँ जो इस साइड पे कश्मीर है, पाकिस्तान साइड, उसमें और इंडिया साइड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से क्या फर्क आपको नजर आता है? फिर आपसे देखें, अभी यहाँ तक यह है कि इंडिया ने, इंडिया में जो कश्मीर है
वहाँ पे जगह जगह पे रोड पहुँची हुई है, और घूमने की सैर तफरी की जगह वहाँ पे रोड पहुँची है। हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, मैं मोस्टली हम पैदल वॉक करके जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, वहाँ पे रोड न होना भी एक बड़ी रीजन है। ठीक है, और आपको नहीं लगता अगर ऐसा ही रहेगा तो 10 साल 20 साल बाद तो उनके साइड का कश्मीर बहुत आगे, अभी भी अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमें काफी चीजें ऐसी खबरें आती हैं कि वो काफी डेवलपमेंट की, तो 10-20 साल बाद तो वो बहुत आगे हमारा हम बहुत पीछे चल रहे हैं, इस हिसाब से हमारा कश्मीर बहुत पीछे है, इस पे वर्क करने की जरूरत है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बड़ी बात है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि यार प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी नजरों से ना कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। वैसे यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड तो होता ही है, यूट्यूब जो है अपने क्रिएटर्स को अवार्ड देता रहता है, उनकी सेरेमनीज होती रहती हैं, पता नहीं साल में एक बार होती हैं या 6 माह में एक बार होती हैं, आई डोंट नो, लेकिन होती हैं। और जो साल में जो ज्यादा शाइन करते हैं ना उनके क्रिएटर, उनको तो पर्सनली घर में भी गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। लेकिन ये कि एक आपके मुल्क के पीएम की तरफ से, आपके मुल्क की तरफ से कोई आपको अवार्ड मिलता है ना, कि यार ये कितना देखो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, ओवरऑल सोचना तो ये चाहिए कि यार ये अपने मुल्क में आ रहा है ना। अगर ये जाहिर सी बात है, यूट्यूब जो है ना पाकिस्तान का ना इंडिया का है, वो तो जाहिर सी बात है फॉरनर्स का है, तो वहां से जो है वो आपका पैसा जो है वो आ रहा है आपके मुल्क में, तो ये कितनी बड़ी बात है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, उन यंगस्टर्स को या उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम अगर कुछ आगे बढ़ते भी है ना, पहली बात तो ये कि अगर बीइंग अ वुमन मैं बात करूंगी, यहाँ पर औरतों को इतनी आजादी है ही नहीं। बहुत कम जो हाई लेवल के जो अपर क्लास के थोड़े बहुत लोग हैं ना, उनको आजादी है, वो भी ये काम कहते हैं यार अब हम मोबाइल ले लेके इधर उधर घूमें, अब हम व्लॉगिंग करें, मतलब वो हद तक समझ जाए ना इस चीज को, जो ज्यादा मतलब जिनको थोड़ी बहुत आजादी होती है वो कहते हैं यार हम बाप का पैसा आ रहा है ठीक है, हमें क्या जरूरत है ये करने। वो पैसों को हर सब चीजों को ना उस रंग में लेते हैं, वो ये नहीं कहते कि यार मैंने अपने पांव पे खड़े होना है या मैंने कुछ करना है। और जिनमें थोड़ा बहुत टैलेंट होता है या जो ये काम कर सकते हैं, उनको घर से परमिशन नहीं मिलती है, या उनको फिर जो है अब अगर आप शादीशुदा लोगों की भी बात करो, मैं औरतों की मैं सिर्फ बात कर रही हूं, उनको भी घर में से बड़े मसले होते हैं यार, बच्चे छोटे हैं, अब हम जो है वो घर को टाइम दें या इस चीज को टाइम दें, क्योंकि इसमें जो है ना अगर आपकी वीडियो चल जाती है ना तो मतलब आपको एक टाइप का फायदा ही है, आपको इतना आप घर में रहकर ये काम कर रहे हो, एक टाइप का ये औरतों के लिए मैं कहती हूँ कि सही काम ही है, क्योंकि आपको बाहर नहीं निकलना पड़ा, आपको किसी की जॉब नहीं करनी पड़ी, आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सकते हो, घर को भी टाइम दे सकते हो, आपका अपना ये काम है, आपने अपनी मर्जी से उठना है, अपनी मर्जी से काम करना, तो ये वुमेन के लिए भी बेस्ट है। बट फिर वही चीज कि आपको या तो कंटेंट नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो आपको घर में से वो कंटेंट करने की परमिशन नहीं होती है। ये सारे मसाइल जो है ना ये पाकिस्तान के लिए हैं, इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मसाइल है। वो उधर वहां पे लड़कियां भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि आजाद है, मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्पेशली व्लॉगिंग के लिए अगर आपने कहीं पर जाना है ना तो आपको 100 लोगों से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आपको घर में से परमिशन मिल जाती है तो फिर खानदान वाले आपको नहीं छोड़ते। यार ये आज इसने व्लॉग बनाया, इसने बाल खुले छोड़े, वो भी गीले बाल थे, ये नहा के आ गई छत के ऊपर गीले बालों के साथ, इसने व्लॉग बना लिया, रे ये कैसे हो गया। तो वो खानदान वाले आपका आपका पीछा नहीं छोड़ते। रही बात ये जो फिर नेट के ऊपर भी बात आ जाती है, ये वाकई ये भी एक मेन मसला है। हमारे पास तो यहाँ 4G नहीं चलता, इंडिया में 5 पता नहीं 6G भी अब वहां पर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे इतने, एक तो वहां की आबादी बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि वहां पे लोग जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, यहाँ पर लोग सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि यार हमारा हमसाया जो है वो उसको उसकी हम वीडियोस देख के उसको लाइक कर दे, क्यों भाई हम अपना कोई दूसरा काम ना कर दे, हम उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पर लोग सपोर्ट नहीं करते, वहां पर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा यहाँ के आबादी बहुत ज्यादा, जैसी बात है आबादी के हिसाब से रेवेन्यू लोग काम करेंगे तो रेवेन्यू भी वहां पर जनरेट हो गई होगा। और दूसरी बात ये तीसरी बात यह कि वाकई नेट की फैसिलिटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अगर नेट हो तो बहुत सारे हम जो है ना वो काम ऑनलाइन बैठ के, सिर्फ ये नहीं कि यूट्यूब के थ्रू ही, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ के लोग जो है ना पाकिस्तान के, वो सब सिर्फ टिकटॉक के ही होकर रह गए, क्योंकि वो एक शॉर्ट सी वीडियो होती है, फटाफट अपलोड हो जाती है, वहां पर नाच गाना करके जो है ना वही काम जो है ना बेचारे पाकिस्तानियों के लिए रह गया हुआ है। और ये चीजें जो है ये फिर भी ये जो है ना ये बैन करने पर तुले होते हैं, टिकटॉक बैन कर देना, यूट्यूब बैन कर देना, फेसबुक बैन कर देना, पिछले दिनों हुआ भी था ऐसा एक सीन, फेसबुक ही नहीं लॉगिन हो रही थी और बार बार ये आ रहा था कि अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो ये जो आपका अकाउंट जो है ना ये बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको न्यू सिरे से जो है ना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अगर वहां से यूट्यूब से जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनके लिए देखो कि कितना सैड होगा कि यार उनको तो यही होगा कि यार बस हम तो गए आप गए।
तो बस यही है कि हमारे मुल्क को भी अब आगे दुनिया के साथ जो है ना कदम से कदम मिलाना चाहिए और ये जो ढकियां नूसी सोचे ना इनको एक साइड पे रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यहाँ से सोच की बात करूंगी कि अगर हम इंडिया की बात करें वहां पे देखिए कि सोच कितनी है। जैसे कह रहे कि क्रिएटर्स ये पहली दफा अवार्ड जो है वो मिल रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि यार इसकी वजह से सोशल मीडिया की वजह से आपको अपने रेवेन्यू में जो है वो इजाफा हो रहा है, तो आपने उन लोगों के लिए अवार्ड रख लिया ताकि क्रिएटर्स को जो है वो एक इनकरेजमेंट की जरूरत होती है कि यार हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा। हमें सबसे बात क्या होती है, जैसे बच्चा कोई काम करता है ना तो उसको पेरेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन की उम्मीद होती है कि यार मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे पेरेंट्स जो है वो खुश होंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसे बड़ी कोई बात नहीं होती। इसी तरह जब आवाम होती है ना वो कोई अच्छा काम करती है तो होता है कि यार गवर्नमेंट लेवल पे हमारा कोई नाम हो, हमें वहां पे पसंद किया जाए। जब गवर्नमेंट आपको जो है वो इस तरह के अवार्ड देगी तो खुद आप कहते हो कि यार अब हमें अपना जो काम है ना इससे और बेहतर करके आगे लेके आना ताकि हम और नुमाया हो और लोगों की नजरों में सामने आए ताकि हमारा और नाम हो। यहाँ पे एक मुल्क जो है वो अपने क्रिएटर्स को जो है वो क्या कर रहा है, अवार्ड दे रहा है, और यहाँ पे जो है वो हमारी असेंबली में बिल पास करवाया जा रहा है कि जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी हैं ये फेसबुक वगैरह सब चीजें इनको जो है वो बंद कर दो। मतलब आप क्या चाह रहे हो, आगे हमारी हुकूमत जो है वो इतनी वो कहते हैं ना लूली लंगड़ी हुई हुई है, अगर जहां से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है वो उस चीज को भी जो है वो आप लोग बंद कर रहे हो। मतलब अपनी सोच का अंदाजा लगा लो, ये मुल्क ये फिर ऐसे मुल्क जो है ना वो कभी भी तरक्की नहीं करते। ये मुल्क तरक्की करते हैं जो अपने छोटे से क्रिएटर को भी उठा के कहां से कहां पे पहुंचाते हैं, और हम जो है वो उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो खराब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इस सब चीजों को जो है वो बंद करो। और फिर मैं दूसरा बात कहूंगी कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वाकई पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप अगर हर चीज हमारे पास सिंगिंग है, सिंगिंग के लिए अच्छे से अच्छे जो है अगर आप पंजाब साइड पे चल जाओ ऐसी ऐसी आवाजें हैं कि आप खुद हैरान होते हो कि यार ना इन्होंने कोई कहीं से क्लास ली है ना कुछ है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो है वो उनकी आवाजें इतनी अच्छी होती है, पर ये कि उनको कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ कि वो जहां पे जो है वो अपना टैलेंट दिखा सके। और वो रही बात टिकटॉक की, वहां पे आके अगर वो बेचारे कुछ दिखाते हैं तो कई लोग इस चीज के भी खिलाफ है, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग है ना वो इस चीज के भी खिलाफ है कि हमें तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इतने सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं हमें वो रिवॉर्ड इतनी जल्दी नहीं मिला, तो ये टिकटॉक पे वीडियो बना के ये कैसे फेमस हो सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे की हार बाजी की बात है ना कि यार वो वहां पे हिट हो गए हम यहाँ पे हिट नहीं हो पा रहे। जब हम लोगों में ये चीज खत्म हो जाएगी ना फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर पाएगा। और दूसरी बात नेट की रही, नेट तो हमारे इधर इतना स्लो है कि अल्लाह माफी दे हमारा अपना जो हमारा पर्सनल हो गया है, हाँ हमारा जो हमने खुद अपने पर्सनल घर में नेट लगाया हुआ है ना, अगर हम एक दो मोबाइल थोड़ा एक्स्ट्रा एक टाइम में साथ यूज करना शुरू कर देना उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो पे चली जाती है। तो नेट के तो यहाँ के हालात ही आप रहने ही देना कि नेट भी होगा। और दूसरे में ये कह रहे थे कि अगर हमने कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी होती है या कोई टेक्निकल वीडियो देखनी होती है या मोटिवेशनल, तो हम इंडिया की देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी मैं ये बात कहूंगी कि यहाँ पे अगर पाकिस्तानियों को मौका दिया जाए ना, यहाँ पे हमारे भी बहुत बहुत एजुकेशनल टीचर है जिनकी वीडियोज हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं। अगर आप टेक्निकल की कोई बात कर लो, कोई इश्यू आ जाता है तो हम फौरन यूट्यूब खोल के देख लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि आपने पाकिस्तानी देखना है या इंडिया देखना है। लेकिन फिर वही बात है कि जब हम अपने लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे ना तो कोई और भी प्रमोट नहीं करेगा। हम पाकिस्तानी वीडियो आ जाती है हम ये सोचते हैं कि यार इसको क्या काफी पता होगा, इसके पास कहाँ से एजुकेशन आई है, इंडिया वालों को ज्यादा पता होगा या किसी फॉरनर को ज्यादा पता होगा, उसकी वीडियो निकाल के देखते हैं। ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी खामी है कि हम अपने लोगों को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। जब तक हम खुद सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बहरहाल वीडियो बहुत अच्छी थी, और जहां तक पीएम मोदी की बात करें तो बड़ी अच्छी उनकी बात है कि यार वो इतने क्रिएटर्स को भी उन्होंने खुद अवार्ड दिया, तो बहुत अच्छी बात है। इसे जो क्रिएटर्स है ना न्यू क्रिएटर्स उनको बका भी मिलता है कि यार अब हम कुछ अच्छा करना चाहिए। और अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, मुझे उससे जो कहा ना कि बहुत नॉलेज है पाकिस्तानियों के पास भी और यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है, उससे मुझे याद आया आजकल मैं एक व्लॉग देख रही हूँ वहां पे गिलगित बल्तिस्तान का बच्चे का वो पाकिस्तान का सबसे छोटा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दुनिया का ही शायद सबसे छोटा क्रिएटर होगा। हार्डली वो 6-7 साल का बच्चा है और वो इतनी परफेक्ट तरीके से व्लॉग बनाता है, मैं कहती हूँ उसका कैमरा भी नहीं हिलता चलते हुए। मतलब हम इतने मतलब बड़े एडल्ट्स हैं, हम जो है ना कैमरा लेकर जाएंगे ना भाई, तो मुझे लगता है कि वीडियो जो है ना शेकी आएगी बहुत ज्यादा, लेकिन वो उसका मोबाइल भी बिल्कुल नहीं हिलता, इतनी परफेक्ट
तरीके से जो चीज नजर आनी चाहिए वही वही वो क्लिप उसी तरीके से बनाता है, और उसकी एक छोटी सी बहन भी है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं, उनकी फैमिली कोई नहीं आता व्लॉग है, बस वो घूम फिर के जो ना, और इतना लोग उसको पसंद करते हैं और मजा आता है कि वो वहां की खूबसूरती दिखा रहा है और लोग देख रहे हैं उसके थ्रू, लोग देख रहे हैं पाकिस्तान, और उसकी बातें बहुत अच्छी है, मतलब नेचुरल प्योर बच्चों वाली, ये नहीं की बड़ों वाली बातें बनावती नहीं है, तो लोग शौक से देखते हैं। जो गाँव आजकल गाँव साइड वाले व्लॉग इतने चल रहे हैं, बट फिर वही बात यह है कि गाँव में लोगों को इतनी परमिशन नहीं होती है कि गाँव को दिखा सके, क्योंकि वहां पर फिर भी शहरों में इतनी थोड़ी बहुत वो है, अवेयरनेस आ गई हुई है, या लोगों को थोड़ी बहुत आजादी मिल जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की, बट जो बेचारे गांव में रहते हैं उनको इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में फिर भी कुछ लोग हैं जो कि गांव से ब्लॉग बना रहे और उनके चल भी रहे हैं। सो बस वही बात कि आप लोग खुद मेहनत करोगे तो फिर ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। बिल्कुल। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।